नैनीताल में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की प्रबंध कमेटी के चुनाव में जनपद की कुल 9 सीटों के लिए 22 दावेदारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। बता दें कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड में आज प्रबंध कमेटी के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि थी, जिसके तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर डीसी जोशी और दुग्ध संघ के सामान्य प्रबंधक के नेतृत्व में जनपद नैनीताल के 9 निर्वाचन क्षेत्र के लिए करीब 22 दावेदारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें निवर्तमान दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा समेत 6 सीटों में निर्विरोध डायरेक्टर चुना जाना तय है। लालकुआं से संवाददाता मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआं की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु आज नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें कुल मिलाकर प्रबंध कमेटी में हमारे 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से ओखलकांडा, कोटाबाग, धारी, भीमताल, रामगढ़ और रामनगर, इन क्षेत्रों से एक एक उम्मीदवार के द्वारा नामांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त कालाडूंगी और लालकुआ निर्वाचन क्षेत्र से 2-2 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन दाखिल किए गए हैं, जबकि हल्द्वानी निर्वाचन क्षेत्र से 4 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इस प्रकार कुल 14 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र आज प्रस्तुत किए गए हैं।